तो गाइस फाइनली 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 हमारे चैनल पे पहली बार आ गया है आईफोन। जी हाँ गाइस, ये है आईफोन 13 जो कि हमने लिया है हमारी किडनी बेच के। तो गाइस चलिए देखते हैं आईफोन में ऐसा क्या है जो लोग इसके इतने दीवाने हैं। तो गाइस पहले ही हम इसको अनबॉक्सिंग कर चुके हैं, तो फिर से दोबारा फील देने के लिए आप लोगों को फिर से मैंने इसको बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए इसको खोलते हैं। तो उसको बॉक्स खोलते ही आपको कुछ इस तरह का जो आईफोन है वो देखने को मिल जाता है, जो कि आप देख रहे हो यहाँ पर। बॉक्स खोलते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलता है, और ये है स्टारलाइट कलर जो कि ये वाइट कलर है, बहुत ही एक प्यारा सा कलर है। तो चलिए इसको निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप, तो कुछ इस तरह का इसका कलर वगैरह है। और इसके बॉक्स में आपको चार्जर नहीं मिलता, और ये आपको टाइप सी टू लाइटनिंग केबल यहाँ पर मिल जाएगा। और इसमें आपको कुछ यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन वगैरह होगा वो है, और इसमें आपको एक एप्पल का स्टिकर मिल जाएगा, और यहाँ पर सिम इजेक्टर टूल भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको रखते हैं साइड पे अभी, ठीक है, इन सबको रखते हैं साइड पे। और लाइटनिंग केबल एक बार देख लो, ठीक है, ये देखो। और इस तरफ है टाइप सी चार्जर, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। पहले इसके कलर की बात करें तो ये है वाइट कलर, स्टार लाइट कलर, जो कि यह है इस आईफोन 13 का बेस्ट सेलिंग कलर। बहुत ही एक प्यारा सा कलर है, इसका डिज़ाइन वगैरह जो यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह है। मेरे को अगर पूछोगे तो ये जो व्हाइट कलर है ये बहुत ही एक प्रीमियम फील दे रहा है, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये कलर बहुत ही एनहांस कर रहा है इस आईफोन को। ये अभी भी एक नेक्स्ट लेवल आईफोन है 2023 में भी। ये एक फ्लैट एल्युमिनियम डिजाइन के साथ आता है जो आपको बहुत ही प्रीमियम फील देता है, और बैक साइड में बहुत ही ग्लॉस एक फील आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आपका फ़ोन और प्यारा बन जाता है। अगर आप इसको 12 से कंपेयर करोगे तो कैमरा जो सेंसर है इसमें काफ़ी इंप्रूव किया गया है। और इसके डिस्प्ले की बात करें तो जब इस पर आप कंटेंट वगैरह देखोगे तो आपको पता लगेगा इसका जो यहाँ पर नॉच है ये थोड़ा मोटा हो गया है, बिल्कुल आपकी पेट की तरह। और डिस्प्ले में भी 12 से काफ़ी बड़ा आपको एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ये डिस्प्ले में 12 से एक जो अपग्रेड वर्सन है वो आप बोल सकते हो। इसका डिस्प्ले जो है वो है XDR डिस्प्ले, जो कि है 6.1 इंचेस का। सुनने में बहुत अजीब लगता है XDR डिस्प्ले, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये जब आप एक्चुअल में जब इसमें आप कंटेंट वगैरह देखोगे तो आपको एक्चुअल में पता लगेगा जो इसका कॉन्ट्रास्ट वगैरह है, आपका जो ब्राइटनेस वगैरह है, जो आपको परफॉर्मेंस वगैरह है, सब कुछ आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा। तो गाइस अभी हमने अल्ट्रा HD 8K में चलाया है, इसका आप स्क्रीन का कलर वगैरह देखोगा, क्लियरिटी देखो भाई। अभी तो कैमरे में उतना पता नहीं चल रहा है, लेकिन रियल में बहुत ही तगड़ा लग रहा है, बहुत ही क्लियर है, बहुत ही क्लियर। ये देखो फुल स्क्रीन में देखो भाई, बहुत ही क्लियर है, कलर कॉन्ट्रेस्ट वगैरह आप देख सकते हो। और इसमें काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इसके प्रो मॉडल्स में हैं वो इसमें डाल दिया गया है, जो एक काफ़ी अच्छा एक चीज़ है। और इसमें और एक चीज़ है जो इसमें इम्प्रूव नहीं किया गया, वो है इसका डिस्प्ले, 60Hz का जो डिस्प्ले है, जो कि एक काफ़ी वियर्ड सा चीज़ है, इतना महंगा फ़ोन और 60Hz का डिस्प्ले। लेकिन आप जब यूज़ करोगे एक्सपीरियंस में तब आपको थोड़ा सा मतलब ऐसे जो और 60Hz वाला जो फोन्स वगैरह होता है उससे थोड़ा इम्प्रूव देखने को मिलेगा। लेकिन आप अगर कोई 120Hz उससे ज़्यादा अगर कोई फ़ोन यूज़ करके आप डायरेक्ट इस पे 60Hz पे स्विच करोगे तो आपको थोड़ा बहुत आपको परफॉर्मेंस में चेंजेस मिलेगा। जो टच रिस्पॉन्स है ये थोड़ा डिफरेंट है, 12 से ये काफ़ी इम्प्रूवड है। जब आप इसको आउटडोर में ले जाओगे तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये कितना ब्राइट है। मुझे लगता है इससे पहले जो आईफोन्स वगैरह है उससे ये एक बड़ा इंप्रूवमेंट है इसके बैटरी में। डेफिनेटली आप इसको जब यूज़ करोगे आपको पता चलेगा, बैटरी में आपको 2.5 घंटे का इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको आराम से 7 से 8 घंटा चल जाएगा। और ये 20W का जो चार्जिंग सपोर्ट है, ये 20W का चार्जिंग सपोर्ट करता है, और ये करीब करीब 2 घंटे में आपका फुल चार्ज हो जाएगा। मेरे ख्याल से बैटरी के बाद इस फोन में सबसे बड़ा जो अपग्रेडेशन है वो है कैमरे में। मुझे लग रहा था कि पहले जैसा ही इसका कैमरा सेंसर जो होगा, पहले जैसा ही इसका जो कैमरा क्वालिटी है वो रहेगा, लेकिन नहीं, इसके दोनों ही कैमरा सेटअप में आपको दोनों ही सेंसर जो बहुत ही अपग्रेड किया गया है। इस फोन में आपको यहाँ पर 12MP 12MP का दो सेंसर देखने को मिल जाता है। इसका जो रियर कैमरा है इसमें अपग्रेड किया गया है, इसका जो सेंसर वगैरह है, लेकिन इसके फ्रंट कैमरे में कोई अपग्रेडेशन वगैरह नहीं दिया गया है। और इस फोन में जो पुराने वाले से काफ़ी ज़्यादा वो जो स्टेबिलिटी है वो ऐड की गई है। इसके कैमरे में आपको यहाँ पर वाइड एंगल में बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव किया गया है जो पहले वाले से। और इसमें आपको एक्स्ट्रा मोड देखने को मिल जाता है, जो सिनेमैटिक्स मोड है वो आपको एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है। इसके सिनेमैटिक्स में क्या होता है, आपको जो बोके इफेक्ट है ये बहुत मतलब तगड़ा मिलता है। और इसमें आपको स्लोमो, टाइम लैप्स वगैरह, या फिर वीडियो मोड में आपको 4K 60fps देखने को मिल जाता है। लेकिन आप अगर सिनेमैटिक्स देखोगे तो सिनेमैटिक्स में आपको यहाँ पर 1080p और 30fps का सपोर्ट मिलता है, यहाँ पर 4K का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और वाइड एंगल में भी आपको 4K 60fps का सपोर्ट मिल जाएगा। तो अभी हम इस आईफोन को लेके आए गए हैं आउटडोर में, तो भाई यहाँ पर हम करेंगे अभी कैमरा टेस्ट करेंगे, कैमरा वगैरह टेस्ट करके आपको बताएंगे। तो हमने ये कवर मंगवाया है, तो ये कवर लगा लेते हैं आईफोन पे। ये कवर लग गया है, तो कवर लग के कुछ इस तरह का लग रहा है ये, जैसे कि आप देख सकते हो। तो चलिए इसमें आप फोटो वगैरह खींच के देखते हैं इसमें फ़ोटो वगैरह कैसा आता है। तो गाइस देख सकते हो मैंने अभी कैमरा ऑन कर लिया है, और यहाँ से आप कुछ सेटिंग्स वगैरह यहाँ पर देख सकते हो, कुछ एक्सपोजर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है।
ये देखो, ये मैं एक फ़ोटो ले रहा हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, और अभी यहाँ से देखो मैं वाइड एंगल ऑन कर रहा हूँ इसका, तो ये देख सकते हो कुछ इतना वाइड है, ये कितना वाइड है देखो, 1x, और ये वाइड, और ये काफ़ी अच्छे से स्विच हो रहा है। ठीक है, अभी हम एक पोर्ट्रेट फ़ोटो लेके देखते हैं। ठीक है, पोर्ट्रेट में लेके देखते हैं पोर्ट्रेट में कैसा आता है। पोर्ट्रेट में भी थोड़ा एक्सपोजर हम कंट्रोल करते हैं यहाँ से, फोकस भी यहाँ से कुछ इस तरह से आप फोकस वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फोकस आप लेंस कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पर आप एक्सपोजर भी कंट्रोल कर सकते हो। मैं थोड़ा एक्सपोजर डाउन कर देता हूँ इसका, और ये ठीक है, और बहुत ही अच्छा एक साउंड दे रहा है। और यहाँ से पैनोरामा मोड है जैसा कि आप देख सकते हो, और यहाँ पर वीडियो मोड, तो वीडियो भी एक लेके देखते हैं कैसा आता है, स्टेबिलिटी भी चेक कर लेंगे। तो ये हिला के देखते हैं कैसा आएगा स्टेबिलिटी वगैरह ऑन करके। ठीक है, वाइड एंगल पे देखते हैं भाई, वाइड एंगल पे एक वीडियो बनाते हैं। और ये वीडियो बनाते बनाते भी काफ़ी अच्छे से स्विच हो जाएगा शायद। ये देखो वीडियो बनते बनते देखो 1x पे देखो, और ये क्या वाइड भाई, क्या क्लियरिटी है भाई। ठीक है, और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो FPS वगैरह। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो मोड में आप यहाँ पे 4K कर सकते हो, यहाँ पर HD था, 4K 60 FPS तक जा सकते हो, और सिनेमैटिक में आप 180p 30 FPS तक आपको सपोर्ट मिलेगा। तो सिनेमैटिक में एक मोड आपको दिखाते हैं कैसा आता है। तो गाइस अभी देख सकते हो, अभी ये सिनेमैटिक मोड में रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसका आप बैकग्राउंड देख सकते हो, बहुत ही अच्छे से बोके हो रहा है, एक बोके इफेक्ट जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। और ये आप चेंज भी कर सकते हो अपने हिसाब से, ये जो बोके मोड है, ये जो फोकस मतलब बैकग्राउंड जो ब्लर हुआ है, ये इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसमें हमने कुछ फोटोज़ वगैरह लिया था, जैसा कि आप देख सकते हो, ये है एक डायनामिक रेंज, और ये हमने सेल्फी कैमरे से खींचा है, जैसे कि आप देख सकते हो इसका क्लियरिटी वगैरह। और ये है 1x पे खींचा गया है, ये आप 1x का लेंथ वगैरह देख लो। और ये वाला जो आप देख रहे हो, ये है वाइड एंगल पे लिया गया है, अल्ट्रा वाइड में। और ये आप फोटो देख सकते हो, ये थोड़ा अलग टाइप का है ये वाला फोटो। और इस फोटो में भी आप क्लियरिटी वगैरह, कलर वगैरह, कॉन्ट्रास्ट वगैरह देख सकते हो, ये प्राइमरी कैमरे से खींचा गया है। और ये भी फ्रंट कैमरे से खींचा गया है, फिर से और एक मैंने सनलाइट में खींचा था, ये देख रहे हो सनलाइट के अंदर मैंने खींचा था फ्रंट कैमरे से। तो गाइस अभी ये रियर कैमरे से रिकॉर्ड हो रहा है ये वाला वीडियो, ये 1x पे रिकॉर्ड हो रहा है 4K 60 FPS में, तो आप इसका क्वालिटी वगैरह देख सकते हो। ठीक है, तो कुछ इस तरह का है इसका क्वालिटी वगैरह। अभी हम इसका यूज़ कर रहे हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि अभी रिकॉर्ड हो रहा है 4K 60 FPS में ही, तो आप देख सकते हो इसका क्वालिटी वगैरह, तो कुछ इस तरह से ये लग रहा है। तो अभी चलते हैं फ्रंट कैमरे में। तो गाइस अभी रिकॉर्ड हो रहा है ये इसके फ्रंट कैमरे से, जो कि है 4K 60 FPS में ही रिकॉर्ड हो रहा है, इसके 12 MP के जो फ्रंट कैमरा है। तो आप इसका क्वालिटी वगैरह देख सकते हो, अभी मैं थोड़ा पैदल चल रहा हूँ, इसका स्टेबिलिटी वगैरह भी आप चेक कर लो। ठीक है, और इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें लगा हुआ है A15 बायोनिक चिप, जो इसके प्रो मॉडल्स है उसमें भी सेम चिप लगा हुआ है, बस हार्डवेयर में थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह देखने को मिल जाएगा आपको। और ये आपको जो थोड़ा बहुत चेंजेस है, ये आपको ऐसे नहीं नॉर्मल यूज़ में समझ में नहीं आएगा, आप अगर मतलब तगड़ा वाला जो गेमिंग करोगे तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। और एक बड़ा अपग्रेड जो अभी तक किसी ने नहीं बताया, वो है इसके स्पीकर में। तो अभी हम इसमें चलाएंगे वेरी हाई क्वालिटी म्यूज़िक, तो चला दें कोई आप दूसरा चला दें। तो गाइस आप देख सकते हैं इसमें स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट है डॉल्बी एटम्स का, तो आप देख रहे हो मतलब ऐसा लग रहा है चारों तरफ से म्यूजिक बज रहा है। ठीक है, मेरे चारों तरफ से, अभी देख रहे हो इसका साउंड अभी फुल है एकदम, बहुत ही अच्छा एक फील आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि पूरे रूम में जैसे होम थिएटर वगैरह लगा हुआ है अपने चारों तरफ, बहुत ही एक अच्छा म्यूजिक है। अभी कोई दूसरा प्ले करते हैं, देख सकते हो बहुत ही क्लियर साउंड है भाई, बहुत ही क्लियर, इसका बेस क्लियरिटी बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा है इसका। आप इसको बोल सकते हो ये है 12 प्रो का एक अपग्रेडेड वर्जन, बस इसमें जो टेलीफोटो कैमरा है वो नहीं दिया गया है, बाकी इसके बैटरी में, कैमरे में, परफॉर्मेंस में थोड़ा थोड़ा करके बहुत अपग्रेड की गई है, और इस ये थोड़ा थोड़ा अपग्रेड करके ये एक प्यारा सा फोन बन के तैयार हुआ है। उसकी साइड की तरफ बात करें तो यहाँ पर आपको जो पावर बटन है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर वॉल्यूम बटन आपको देखने को मिल जाएगा, और इसमें 2 eSIM लगता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक फिजिकल सिम यहाँ पर का ऑप्शन आपको दिया गया है, मतलब एक साथ आप 3 सिम नहीं चला पाओगे, एक साथ 2 ही चला पाओगे, आप 2 eSIM लगा सकते हो या 1 eSIM एक फिजिकल सिम लगा सकते हो। और यहाँ पर आपको एक अलर्ट रॉकर का ऑप्शन मिल जाता है, इसको अगर आप ऑन करोगे तो आपका साइलेंट मोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको जैसे ही ऊपर नीचे करोगे तो आपका साइलेंट मोड ऑन ऑफ हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और अगर आप इसको 14 से कंपेयर करोगे तो ये काफ़ी सिमिलर है, मतलब ये एकदम एक ही है बोल सकते हो, बहुत ही माइनर चेंजेस है। और कैमरा
और परफॉर्मेंस में मतलब बहुत ही माइनर चेंजेस की गए हैं। बाकी इसका जो आप लुक्स वगैरह देख रहे हो बिल्कुल 14 जैसा ही है और दिखने में भी काफ़ी सिंपल सा एक प्यारा सा लगता है। तो मेरी तरफ से डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा 2023 में आप आईफोन 13 ले सकते हो, ये आप ले सकते हो एक मिड रेंज आईफोन के हिसाब से। और इसकी प्राइस की बात करें तो ये आपको अभी अमेजोन में 50,000 में मिल जाएगा। उसके साथ आप अगर कार्ड का जो डिस्काउंट है SBI कार्ड का अभी अमेजोन में चल रहा है तो उसको अगर लगाओगे तो आपको तीन से 5,000 तक आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो डेफिनेटली एक बहुत ही तगड़ा एक प्राइस आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये था कुछ आईफोन 13 का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक कर देना और हमारे चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।